Good afternoon. Now ध्यान दें सेंटेंस को. Use of verbs in a sentence. Now अगर आप सेंटेंस को देखो तो quite easy it is to realize that the sentence is inconceivable in terms of the meaning. Sentence का meaning आपको समझ में आ रहा होगा. Yes or no? ध्यान रखना सेंटेंस का डिफाइनिंग फीचर. मैं अगर बोलूं मीनिंग आ रहा है, ध्यान देना सेंटेंस पे मीनिंग आ रहा है कि नहीं, सेंटेंस में समझ पा रहे हो कि नहीं, सेंटेंस समझ रहे हो ना. इज इट अ सेंटेंस और नॉट, ये सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि हमको शुरुआत से बताया गया सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. हम लोग जो लास्ट 2-3-4 दिन से वर्ब के फॉर्म को नोट डाउन कर रहे थे ना, वर्ब के फॉर्म को नोट डाउन कर रहे थे. ये वर्ब होता है, ये नॉन वर्ब होता है, ये दिस होता है, दैट होता है. अब उसके यूज पार्ट को हम लोग टारगेट पे रखते हैं. ये सेंटेंस है क्या? बिकॉज सेंटेंस में कितना भी वर्ड्स, कितने भी वर्ड्स लगे हुए हों, सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब चाहिए टू मेक दैट ग्रुप अ सेंटेंस. इस सेंटेंस में वर्ब है क्या? क्रिया है. एक चीज देखना, ध्यान देना. पहली चीज ये है कि अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो 2 चीजों में अंतर करना पड़ेगा. चूंकि आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हो, हम लोगों को शुरुआत से हिंदी के थ्रू पढ़ाया गया है लैंग्वेज, तो हिंदी में हमको बताया गया वर्ब का मतलब क्रिया होता है. अब आप ध्यान दें कि यहां पे क्रिया तो है, सी ऑफ भी है, गो भी है, लेकिन क्या सेंटेंस में वर्ब है? और अभी से एक फैक्टर याद रखेंगे, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है. वर्ब इंग्लिश का कंसेप्ट है, क्रिया हिंदी के कंसेप्ट है. क्रिया का मतलब काम होता है, लेकिन वर्ब इज डिफाइंड बाय इट्स फॉर्म. वर्ब अपने फॉर्म से डिफाइंड होता है. नाउ थिंक ऑफ दैट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस. वो सेंटेंस है या नहीं है वो बताओ. उसमें क्रिया होगी तो वो सेंटेंस होगा, नहीं क्रिया होगी सेंटेंस नहीं होगा. फॉर्म आपको याद है या नहीं? देखो मैं उसको, अब नहीं याद है तो भयानक गड़बड़ है, वो उसको याद रहना चाहिए बात. क्रिया के फॉर्म्स, इस फॉर्म में अगर है तो वो क्रिया नहीं मानी जाती, भाव नहीं माना जाता, और उस फॉर्म में है तो वो भार्व है. तुम्हें पहचानना कि सेंटेंस में भार्व है या नहीं है. Where is the verb? और कोई? अच्छा, अगर एक चीज सोचो, ठीक है, कुछ और थॉट दिमाग में रखो. मैंने ये रखा, ये verb रखा, तुम इसका टेंस बता सकते हो किस टेंस में है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? मैं अगर छोड़ दो उसको, इसको एक और पार्ट रखता हूं. तुम इसका टेंस बता सकते हो, बता सकते हो. तुम बोलोगे V2 है, पास्ट है ये. लेकिन अगर मैं यहां पे हैज लगा दूं तो अभी ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट हो गया ना. अगर मैं इसको हटा के यहां पे विल हैव लगा दूं तो फ्यूचर हो गया. और इसको तुम डिसाइड कैसे कर लेते हो कि ये V2 है? जब आप पढ़ते हो प्ले का V2 प्लेड, V3 प्लेड, तो प्लेड देखते तुमको सिर्फ V2 कैसे याद आता है? Why not V3 also? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. ये V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है. Done? और अगर आप इसको V2 मानते हो अगर, तो वो भर बनेगा, लेकिन अगर V3 मानते हो तो याद रखना V3 का एक फॉर्म यहां भी होता है, इसका इक्विवेलेंट एक और फॉर्म होता है V3। बीइंग V3 का इक्विवेलेंट फॉर्म V3 भी होता है। अब जरा ध्यान देना, इसको ये आपकी इंग्लिश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का पार्ट है। इसको डिफाइन करना, किसी भी वर्ड को पहचानना कि ये V2 है कि V3 है, एक इंग्लिश में वर्ब को समझने का एक बहुत बेसिक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, दिक्कत करता है ये। ध्यान रखना क्या अंतर है दोनों में। अगर आपने उसको V2 माना, मान लिया, अगर आपने इसको V2 माना तो दैट विल बिकम अ वर्ब। अगर आपने उसको V3 माना तो दैट विल बिकम नॉन वर्ब। एकदम उल्टा, अगर आपने उसको V2 माना तो दैट विल बिकम एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव फॉर्म। अगर आपने उसको V3 माना तो दैट विल बिकम पैसिव फॉर्म। अगर आपने V2 माना तो ये टाइम बताना शुरू करेगा, ये पास्ट का टाइम बताएगा, राम वेंट टू द मार्केट। अगर आपने V3 बताया, V3 माना उसको, तो वो कोई टाइम नहीं बताएगा। वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में, क्योंकि वो क्रिया है नहीं ना। टाइम बताने के लिए यू नीड वर्ब। अगर आपको समय बताना होगा तो आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, ये समय नहीं बताता कभी। देखो जरा, असर कहां पड़ रहा है इसमें? प्रेजेंट में यूज हो रहा है, पास्ट में यूज हो रहा है, फ्यूचर में यूज हो रहा है, वुड के साथ यूज हो रहा है, सबके साथ यूज हो रहा है वो। सो ये किसी भी टेंस में आ सकते हैं। आपका समय किससे पता चल रहा है? V1 से, V2 से, will प्लस V1 से, इससे पता चल रहा है आपका। गेटिंग? अब आपको अगर सोचो कि अगर आपको वर्ड का प्लेड वर्ड को डिसाइड नहीं कर पाओ कि ये V2 है कि V3 है, तो देखो पूरा दोनों में 180 डिग्री का उल्टा कनेक्शन है दोनों में। V2 मानो कुछ और बताएगा, V3 मानो कुछ और बताएगा। ये सुनो, अब तुमने अगर इसको देखा, चलो एक ही बार तुम जैसे देखो, एक गड़बड़ क्या करते हो तुम, अगर इसको अकेले देखो तो ये तुमको V2 दिखाई पड़ सकता है, लेकिन भाई अगर उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो मिला के देखोगे ना। अब तो अजीबोगरीब है कि गो देख लिए तो बता दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल गो में क्या बोलोगे फिर? वो विल के साथ गो लगाओगे तब ना फ्यूचर बनेगा। अब अगर इसको देखो तो ये वर्ब का फॉर्म है, इसको देखो तो ये वर्ब का फॉर्म है, आईएनजी सिर्फ लगा हुआ है, ये वर्ब का फॉर्म तो नहीं है, ये वर्ब का फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसको तुम क्या मानोगे, क्योंकि अगर इसको तुमने V2 माना तो सेंटेंस विल स्टैंड, सेंटेंस होगा क्योंकि एक वर्ब आ गया, और अगर तुमने इसको V3 मान लिया तो प्रोग्राम खत्म, सेंटेंस ही खत्म हो गया। इसीलिए ये बोलना कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड बेवकूफी है। मीनिंगफुल तो होगा ही होगा, बट दैट सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वर्ब। अब तुम इसको V2 मानोगे या V3 मानोगे तुम जरा। और देखो एक चीज, मैथ में अगर मानते हो, मान लिया x इक्वल टू 100, तो बाद में प्रूव करते हो। अंग्रेजी में सीधे मान लिया कि V2 है, भाई प्रूव करो। बाई अगर लगा हुआ है तो ये बता रहा है, पहले से आप जानते हो कि ये वर्ब पैसिव होना चाहिए था। और अगर ऐसे रखोगे तब तो हम ऐसे भी लिख दें मैंगो ईट्स बाय राम, ऐसे भी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। तो अभी आपके पास ये सोचिए कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ब पैसिव होना चाहिए था, और पैसिव में तुमको भी3 मान लो पैसिव हो जाएगा, भी3 मान लो पैसिव हो जाएगा, तब फिर सेंटेंस कहाँ रहा? तब सेंटेंस कहाँ रहा? तब तो सेंटेंस में वर्ब भी नहीं है। और भी2 मानोगे तो वॉइस गलती होगा, भी2 मानोगे एक्टिव हो जाएगा और वॉइस बाय लगाने के बाद पैसिव बनना चाहिए था। अब इसकी परेशानी यही समझिए कि वो जो वर्ब के फॉर्म्स आप समझते हैं वो स्ट्रक्चर का बेस है। वो जरा देखो एक मिनट, सेंटेंस राइट और रॉन्ग, हिंदी बोल रहा हूं, सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो अपने ज्ञान का बात निकाल के। सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है ना, खेल रहा था और बेहोश हो गया, दोनों आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जरा बताओ कि अगर मैं ग्रामेटिकली जज करूं तो सब्जेक्ट प्लस V2 आ सकता है ना, पास्ट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर है, तो इसको लेके क्यों परेशानी है? ये तो वर्ब है ही नहीं, बिफोर वर्ब थोड़ी होता है, वो तो किसी भी टेंस में लग सकता है। तो सेंटेंस में वर्ब के नाम पे एक ही है। अगर मैं यहां पे राम वाज प्लेइंग कर दूं तो आप सही की गलती? अब गलत होगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया, एक वर्ब ये और दूसरा वर्ब ये, और वर्ब को एक से ज्यादा वर्ब को जोड़ने के लिए नीड कंजंक्शन, राम वॉज प्लेइंग एंड ही फेंटेड। अब आपको एंड लगाना पड़ेगा। मैं इतना पूछ रहा हूं कि ये अपने ज्ञान में मत जोड़िए कि आपने पहले से क्या पढ़ा हुआ है, अभी ये गलत है या सही है। हाँ, ये किस स्ट्रक्चर पे रखा हुआ है मैं बाद की बात कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं क्यों होगा, कैसे बना है ये, वो मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी तक ये सही है ना, और ये गलत हो गया क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा कि ये वर्ब भी एक आ जाए और ये पैसिव में भी हो जाए। क्या करना होगा? कुछ नहीं, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, वाज प्लस V3 लगा दो, वाज प्लस V3, अब वर्ब बन गया, पैसिव में भी हो गया, बाई का भी सम्मान रह गया, सारा चीज हो गया, काम खत्म। Am I clear? So, वर्ब को कभी भी आप फॉर्म से ही जज करोगे, और इस पार्ट को पहले क्लियर करो कि ये पार्ट एक्चुअली कैसे कैसे यूज होता है, इसको क्लियर करना है। The thing is there, आप कन्वेंशनली ग्रामर को नहीं पढ़ रहे हो, आप स्ट्रक्चर बेस्ड ग्रामर पढ़ रहे हो, तो आप अपने नॉलेज को इसमें एसोसिएट करो, जितना जानते हो उतना ठीक एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उसको अंडरस्टैंडिंग में डालना होगा, और चीजें नहीं आपको मिलने वाली हैं, चीजें नहीं मिलने वाली है। इट विल टेक सम बिट ऑफ टाइम। जिसको तुम बोलते हो ना, नाम सुने हो, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, नाउ वी आर डीलिंग विद दैट ओनली, वी आर डीलिंग विद इन्फिनिटिव, नॉट दैट इन थियरी द यूज ऑफ इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल इन सेंटेंस। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल का सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होता है वो हम लोग डील कर रहे हैं। इनर पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। इसमें से मैं शब्द निकाल रहा हूं, ये सब फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर आप प्रीपोजिशन देखो तो इन, ऑन, हाँ उसका एडवांस लेवल बाद में जाएगा, लेकिन ये तो वर्ड होता है ना जो वोकैबुलरी का पार्ट नहीं है। कंजंक्शन व्यवसायी है, बट, एंड, इत्यादि आदि, ये वोकैबुलरी का पार्ट नहीं है। प्रोनाउन भी आई, ही, यू, उसका जो अपना फॉर्म बनता है, और भी कोई जो वर्ड होंगे, लेकिन ये वोकैबुलरी के पार्ट नहीं है। एडवर्ब है, लेकिन क्या होता है कि एडवर्ब डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब एडजेक्टिव में आप एलवाई लगाते हो तो एडवर्ब बनता है एक पोर्शन, और कुछ जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, ये सब एडवर्ब होते हैं। सो एडवर्ब का दो पोर्शन होता है, एक जो कि वर्ड होते हैं जैसे कंजंक्शन प्रीपोजिशन होता है, और दूसरा कि किसी भी एडजेक्टिव में आप एलवाई लगाते हो तो एडवर्ब बनता है वो। ये कहीं नहीं है। अगर आप इनको समझना चाहते हो तो ये कहीं नहीं है। आप जब इनको भर्व नहीं होगा ये, तो याद रखना, या तो नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा। सिंपल इज दैट। मैं लॉजिकली बता रहा हूं कि वर्ब होगा तो वो होना चाहिए, तो ये वर्ब नहीं है। अब वो एक कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है ये, गेटिंग? तो या तो नाउन बनेगा और नहीं तो एडजेक्टिव बनेगा, वो जिसको तुम जेरंड नाम लेते हो, जेरंड। लेकिन जेरंड का नाम लेने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में सिर्फ ये आता है, नहीं आता है? जबकि जेरंड का फॉर्म ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब हो सकता है। अब एक सेंटेंस लो जरा, इन्फिनिटिव वर्किंग एज, लेट मी नो ये इन्फिनिटिव कैसे काम कर रहा है। टू बी जो लगा हुआ है भाई, टू बी है ना, तुम अभी बीच में से हाइफन हटाओ, मैं बाद में उसको बात करता हूँ क्यों हाइफन लगाया था, मैं बताता हूँ। अब जरा बताओ तो कि ये इन्फिनिटिव क्या काम कर रहा है, नाउन का कि एडजेक्टिव का? बगल में नाउन है बॉस, नाउन के पहले क्या आ सकता है? गुड बॉय नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए एडजेक्टिव खाली गुड, बैड, इंटेलिजेंट टाइप का रहेगा। अब आप जिस लेवल पे हो ना, वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसको खाली नाउन के पहले टिका दो, नाउन के पहले टिकाओ, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। हाँ, चूंकि ये तीन अलग अलग वर्ड मिलके एक एडजेक्टिव बना रहे हैं, दैट इज वाई, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक ही शब्द है, उसके बीच में हाइफन लगाना पड़ता है, नहीं तो ये तीन अलग अलग हो सकता है कि हम ऐसे पढ़ें। समझना, कंसंट्रेशन चाहिए, अभी ध्यान रखना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको टू ईट को मैंगो का एडजेक्टिव मान लें, यह भी तो हो सकता है। अगर इसको एडजेक्टिव बनाना होगा तो इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगाना होगा, ताकि ये माना जाए कि ये दोनों मिलके एक वर्ड काम कर रहा है। अगर ऐसे रखेंगे तो अभी टू भी वन होगा, ये इन्फिनिटिव रहेगा, गेटिंग? इसीलिए आपका ये बीच में हाइफन लगा है, लेकिन आपका ये इन्फिनिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। मैंने कहा ना, तुम इसका ये तो यूज जानते ही हो ना, और आप याद करो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और मैंने एक आध सेंटेंस दिया था जिसमें मैंने इसको नाउन के तरीके से यूज किया था, डू यू रिमेम्बर? तो अगर ये नाउन बन सकता है तो भाई नाउन कुछ किसी भी तरीके का हो सकता है। इज का सब्जेक्ट ना, अर्थ मत समझने की कोशिश कीजिए। टू बी और नॉट टू बी तो शेक्सपियर अंकल बोल के गए हुए हैं, किया जाए कि ना किया जाए? टू बी और नॉट टू बी का मतलब वही होता है कि करें या ना करें। रेलवे का फॉर्म निकला है, भरे कि ना भरे, दैट इज टू बी और नॉट टू बी। दैट इज व्हाट। अब इस इज का सब्जेक्ट कौन होगा? यही ना। और यहां पे इंफिनिटिव इज वर्किंग एज ए नाउन। यहां पे इंफिनिटिव इज वर्किंग एज ए नाउन क्योंकि इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है। ही वांट्स व्हाट टू ईट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? व्हाट का जवाब देता है ना। वो चाहता है, क्या चाहता है? खाना। और बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर इसको इन्फिनिटिव और इसमें से किसी को भी अगर आप किसी भी तरीके से यूज करो, एडजेक्टिव, नाउन, चाहे जो भी तुम बना रहे हो, इसका अपना ऑब्जेक्ट इसके बाद रख सकते हो। ये जो मैंगो है ना, वो ईट के व्हाट का जवाब दे रहा है, वो वांट का जवाब नहीं दे रहा है। ही वांट्स व्हाट? मैंगो। ही वांट्स व्हाट? टू ईट। एंड टू ईट व्हाट? मैंगो। सो सर, आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, और चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए नाउन हो गया, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। सो अगर आपका इसमें से कोई भी, जैसे मैं बोलूं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, सिंपल सा एडजेक्ट है, इज का सब्जेक्ट प्लेइंग हो गया, हो गया ना। मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब ये नहीं है कि इज का सब्जेक्ट फुटबॉल हो गया, अभी भी प्लेइंग ही है। वो जो फुटबॉल है वो प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है। सो इनको हम लोग वर्बियल नाउन बोलते हैं। यहां पे क्या आएगा? इनको वर्बियल नाउन बोला जाता है। और वर्बियल नाउन तुम कैसे भी यूज करो, इसका अपना ऑब्जेक्ट इसके बाद आ सकता है। एक थियरी है, लेकिन आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करो, आप इसको नाउन की तरह यूज करो, आप इसको जैसे भी यूज करो, आपकी मर्जी है वो। गेटिंग? ध्यान से समझ के। वर्किंग एज, वर्किंग एज नाउन, एडजेक्टिव व्हाट? कैसे, क्यों? कोई कारण तो होगा, प्रूफ कीजिए आप नाउन के तरीके से। हैविंग बी थ्री नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, सब भी बनता है। अच्छा देखो, इससे तुम इसको घूरोगे तो मैटर नहीं क्लियर होगा। ये कोई मैटर नहीं क्लियर होने देगा। सेंटेंस में बाकी चीजें इसको बताएंगे कि ये क्या है। ये नहीं, ये तो बेचारा एक फॉर्म है, हमने फॉर्म उठा के रख दिया। अब वो मैंने कैसे यूज किया है, यू हैव टू डिसाइड। लुक एट दिस। मेरे को एक चीज चाहिए होगा, इस वाज का सब्जेक्ट दो, वाज का सब्जेक्ट दो मेरे को सेंटेंस में। अच्छा, ये वाज फुलफिलिंग नहीं है, फुलफिलिंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है संतोषजनक, सेटिस्फाइंग। चलो उसको हटा देता हूं मैं, इस वाज का सब्जेक्ट चाहिए मेरे को। कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है इसका? दो तीन चीज हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या? क्योंकि उसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इसको मान सकते हैं। ये क्या है? कंजंक्शन है, तो उस कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस दो। वो एज क्या है वो डिसाइड करो, और तुम्हारा पीछे का ज्ञान नहीं काम करेगा, याद रखना। एज दो ही चीज होता है, या तो कंजंक्शन नहीं तो प्रीपोजिशन। अब क्या है? वो प्रीपोजिशन है। अब उस वाज का सब्जेक्ट कौन है? और चूंकि उस वाज का सब्जेक्ट ये है, दैट इज व्हाई वर्किंग एज सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई ये नाउन हो गया। नीचे वाले में अब उधर मत जाओ, कैंसिल के पहले ही लगाया हुआ है ऑलरेडी, एंड देयर इज नो सेकंड थॉट। एक कैंसिल का सब्जेक्ट ही है। अब देखो, जितने दूर हम लोगों ने अभी तक क्लास में पढ़ा है, अब आपका सिंपल रिएक्शन आएगा, इट इज नॉट अ नाउन इट इज एन एडजेक्टिव। अब भाई दो ही लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बात सोचो, तुम एडजेक्टिव को, कोई भी एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज कैसे करते हो? मैं एक चीज बोल रहा हूं, या तो अपने नाउन के पहले आप उसको रखते हो, या क्योंकि एडजेक्टिव दो चीजों के विषय बताता है, नाउन या प्रोनाउन के दोनों के विषय बताता है, तो या तो वो किसी नाउन के पहले आएगा, और नहीं तो नाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद टू बी का फॉर्म रख के हम एडजेक्टिव रखेंगे। मैं सिंपल सा इतना ही बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर बॉय और गुड को लिखना है तो आई कैन यूज ओनली टू वेज, बोथ द वर्ड्स। मैं दो ही तरीके से लिख सकता हूं। ये टू बी का मतलब, ये बहुत काम लायक चीज है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, और रुकिएगा, बिन, बीइंग और बी। टू बी का मतलब इतना ही होता है। तुम जरा सोचो ना कि गुड और बॉय को इन दोनों के अलावे किसी स्ट्रक्चर में यूज करके देखो तो पॉसिबल होगा नहीं है ना। तो ये एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है, और अगर आपने इसको एडजेक्टिव मान लिया तो मैं बोलूंगा किस स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है वो, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद सीधा प्रीपोजिशन आया है। एक चीज और था, तीसरा स्ट्रक्चर होता है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और इसके यूज को नहीं, इस पार्ट को पार्टिसिपल हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं। और पार्टिसिपल का दो तरीके से यूज होता है, ध्यान रखिएगा। पार्टिसिपल को दो तरीके से यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव, एज एन नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर वो एडजेक्टिव के शक्ल में है चलो ठीक है, अगर वो एडजेक्टिव के शक्ल में नहीं है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो। और यहां पे तुम्हारा ये वर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये हम लोग अभी अपने सुविधा के लिए तीनों को अलग करके रखेंगे, एडजेक्टिव, नाउन और नॉन फाइनाइट वर्ब, तीनों को अलग। मैं तीनों का अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ। पार्टिसिपल का यूज क्लियर हुआ तो समझ लो कि जेर एंड इन्फिनिटिव सब तुम्हारा यूज आराम से आ गया जगह पे, और उसको एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। वॉकिंग को जज करो, फर्स्ट में वॉकिंग, अच्छा थर्ड में एडजेक्टिव, सॉरी थर्ड में वॉकिंग क्या, अच्छा एक एक काम करो जरा सोचना तुम, टेक अ वर्ड। मैं एक समझने के लिए दे रहा हूं, तुम एक नाउन ले लो राम, इससे सेंटेंस शुरू करो और इसको सब्जेक्ट मत बनने देना, मत बनने दो सब्जेक्ट इसको। संभव है? तुम एक बात नहीं समझ पा रहे हो, लास्ट डे मैंने एक चीज कहा था कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसके पहले मेरे को कोई वर्ब या प्रीपोजिशन लगाना होगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर इसके पहले वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है ये तो। और मैं बोल रहा हूं कि इसको सेंटेंस में यूज करो और इसके लिए वर्ब मत लगाओ। भाई आप सब्जेक्ट लगा रहे हो और वर्ब नहीं लगा रहे हो, लगा पाओगे ऐसे कैसे हो सकता है, वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा। अब जरा एक छेड़ी देखो, तुम इसको आंख बंद करके तीनों को नाउन मान लो, मेरे को एक गड़बड़ लग रहा है कि इसे नाउन के बगल में एक और नाउन लगा हुआ है। अब ये दो चीज हो सकता है, या तो इस वर्ब के व्हाट का ये जवाब दे रहा है तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो इस नाउन के पहले का एडजेक्टिव आया हुआ है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है। अब जरा बताओ तो यहां पे वॉकिंग क्या है, क्या वो ऑब्जेक्ट है पाथ उसका, जैसे प्लेइंग व्हाट क्रिकेट, वॉकिंग व्हाट पाथ, वॉकिंग वेयर ना। अब एक बार बताओ ये क्या है। दूसरा, इस लोअर्स जो वर्ब दिया हुआ है ये वर्ब है, यहां पे इसका सब्जेक्ट बता दो, बस सीधा दे, किलोमीटर्स है, रोड है, और नहीं तो वॉकिंग है। और ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखिए, टिका दीजिएगा, किलोमीटर्स है तो उसके पहले फॉर लगा हुआ है तो ये गड़बड़ हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, डाउन के चलते ये नहीं बनेगा। तो उस लोअर्स का सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग ना, और अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हुआ क्या, वो नाउन ना। सो सर यहां पे नाउन, यहां पर एडजेक्टिव, और अब नॉन फाइनाइट, यही ना। और ध्यान दीजिएगा, इसको जेरेंड कहा जाता है और इसको पार्टिसिपल कहा जाता है। आज तक हम लोग को जहां भी आईएनजी मिला आंख बंद करके जेरेंड, नहीं सर वो जेरेंड भी है पार्टिसिपल भी है। जेरेंड कब, जब उसके लिए एक वर्ब खाली है, उसके लिए एक वर्ब आया हुआ है। पार्टिसिपल कब, जब उस वर्ब का अपना सब्जेक्ट लगा हुआ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट लगा हुआ है पार्टिसिपल हो गया, और अगर कोई वर्ब है बिना सब्जेक्ट के तो ये जेरेंड हो गया। अब अंतर समझ में आया, जेरेंड और पार्टिसिपल का अंतर कहां पे, वो सिंगल वर्ड, एंड दिस विल अप्लाई टू यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, सब जगह पे। हम उसको जेरंड भी बना सकते हैं, पार्टिसिपल भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। गेटिंग? और इसी को मैं अभी नॉन फाइनाइट वर्ब बोलूंगा, पार्टिसिपल बोलूंगा। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ग्रामर की किताब पढ़ो, तो ग्रामर की किताब इसको भी पार्टिसिपल बोलती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को नामकरण संस्कार तब सीखना चाहिए जब यूज अच्छे से आता है, ना कि पहले नाम सीख लें और बाकी में यूज आ ही नहीं रहा है। पहले सब यूज सीख लो कैसे किया जाता है, और तब नाम करोगे ना तो पता चलेगा। हम लोगों को पहले नाम बताया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सुने होंगे। कौन सा क्या होता है पता ही नहीं चलता है। सो ये जो फॉर्म्स हैं कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर है? ये तीनों यूज हो सकता है। और वो कि ये वर्ड कभी नहीं बताएगा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएगा कि वो है क्या। तुम इसको अकेले देखोगे तो कहीं नहीं पता चलेगा। ये वैसा ही है जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ था, ये वही है। लेकिन चूंकि वॉकिंग के बगल में इज लग गया था इसलिए आपको टेंशन नहीं हुआ। अभी आप जब जिस लेवल पे पढ़ रहे हो उसमें वॉकिंग के बगल का इज बहुत सारे शब्दों के बाद आएगा, और हो सकता है कि बीच में राम भी रखा हुआ हो और उसके बाद इज लगा हुआ हो। लेकिन उसको रोकने के लिए राम के पहले प्रीपोजिशन डाल देगा, कोई वर्ब डाल देगा, राम का सब्जेक्ट का काम खत्म। समझ रहे हो? पार्टिसिपल, जेरंड, इंफिनिटिव, ये उसका एक पार्ट था, मतलब उसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। अब इसके साथ अपना इसका रूल होता है, रूल होता है। पार्टिसिपल का रूल होता है ना, खासा रूल होता है। एडजेक्टिव का भी अपना कुछ रूल होता है। इसको इंफिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, अगले क्लास में। थैंक यू बॉस।